भाई क्या हाल है सबके। 2 अक्टूबर है ही आज, तो मैं चेकआउट कर रहा हूँ आज इस होटल से और सैटरडे नाइट करीब 4 बजे लिया है। और जो 4 बजे लेने के बावजूद भी ना चार्जेस का कोई वो नहीं कि कम हो जाए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने यार। तो मैं इंचुद ये है कि भाई क्या बोलूँ यार, जो भी है इसमें डाल रहा हूँ अभी, मोबाइल चार्ज कर लिया तो भी अभी कंटेंट के लिए चीज़ें चल रही हैं, अभी हो नहीं पा रही, थोड़ा हर टाइम लगेगा। तो ये करीब पड़ा था मेरे को 1800 का, 1800 में इस होटल में क्या भाई, ये अलमारी होगी बहन जो देखना भाई इधर, ये सामान रखने के लिए ठीक है, ये इनकी LCD देखो ऐसे। और फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं, ये मिरर है सामने, ये हुआ ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं वॉशरूम, वॉशरूम कुछ ऐसा है, ये शावर उधर ठीक है, ये इधर, ये है 1800 रुपये के आसपास का एक दिन का नॉर्मली, और टैक्स उक्स लगा के मतलब कि 2000 का, क्योंकि इन दिनों में महंगे इसलिए होते हैं कि सैटरडे संडे में ना लोग नाइट आउट करते हैं, बाहर घूमते हैं वगैरह वगैरह, उनकी वजह से ये महंगा है। और अभी मुझे क्या करना है, मुझे बैग पैक करना है, जो भी है मैं अपनी चीज़ें निकाल रहा हूँ अभी। और ये मेरे पास ये दो हैं, इसको तो मैं ऐसे डाल देता हूँ, इसकी हालत ख़राब हो गई बेचारे की, ये लगाने की उसमें नहीं है, क्योंकि मेरे को ना 2 अक्टूबर का वीडियो अभी अपलोड करना है सिटी यार। अभी ये एक देख कैसा लगता हूँ, देखो कैसा लगूँगा यार इधर, कल अभी नाइट में सोया हुआ जो भी है, मज़ा आया लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो पूरा चक्कर ये था कि ऐसे ही घूमना है, दिल में था राइड करते करते ऐसे, मतलब दिल कर रहा था कि गाड़ी के अंदर ही रात कटे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। तो 2 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर की रात हमारी कैसी रही, फिर उसके बाद 2 अक्टूबर की या मॉर्निंग से लेके 4 घंटे कुछ अलग ही रहा दिल्ली के अंदर बाहर, तो काफ़ी मज़ा आया। अभी देखते हैं अगला क्या होता है, और मेरा शेड्यूल यही रहेगा, अब सैटरडे संडे हम बाहर ही रहेंगे मोस्टली, मंडे टू फ्राइडे अपना काम पे फोकस ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट का काम वो है, कंपनी का, इवेंट्स का, जो भी है टोटली है उसको लाइन अप करके प्रॉपरली सैटरडे संडे में हमारा शूट किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम भी तभी चलेगा, चैलेंज विद रिकी शर्मा, तो ये चीज़ें हैं। तो उसी के लिए मैं अनुभव लेता हूँ हर जगह जाके किया, जैसे कि होटल तो वैसे लेने ही पड़ेंगे मुझे ठीक है, किसी को बुलाऊंगा तो सूट उट के लिए तो नॉर्मली रखना ही पड़ेगा सब चीज़ें, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो थोड़ी सी हुआ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मुझे ना वीडियो डालना ना यूट्यूब पे, हाँ दिख रहा हूँ मैं, पैक भी कर लूँ स्टैंड भी नहीं लेके आया कैमरे का, मैं कुछ भी नहीं लेके आया, तो ऐसे ही चला आया, तो क्या किया जाए अभी। तो मेरा यहाँ पे कुछ है तो नहीं, जाते समय सब कुछ चेक कर लूँ मैंने क्या निकाला था क्या नहीं, तो इससे अच्छा आइडिया क्या होगा, कैसे कैसे चेकआउट कैसे करते हैं, जैसे कि 11 बजे बंदे बोल देते हैं कि भाई टाइम हो गया होटल का जाने का, इधर भाई कुछ नहीं शायद मुझे लगता मेरा, ऐसे ऐसे देख लेना चाहिए तकिया था, ये चलो ठीक है सही है ओके, इधर तो मेरा कुछ था नहीं उसमें ठीक है। तो फाइनली मैंने बैग पैक करना है पर वो हो गया,
चलो भाई अभी देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट सिचुएशन, हु इज नेक्स्ट। अभी चाय पीऊंगा मैं, वैसे पीता नहीं, अभी पीऊंगा चाय मुझे। तो फाइनली मैंने ये बैग में पैक कर लिया जो भी था मेरा। अब मैंने यहाँ पे वीडियो बना के यहीं से अपलोड यूँ करूँगा कि यहाँ की वाईफाई की स्पीड भी अच्छी होगी मुझे ऐसा लगता, अगर नहीं हुई तो बेकार। थैंक यू सो मच, सॉरी यूट्यूब काम नहीं कर पा रहा तेरे ऊपर, बहुत दुख भी है, किसी शो पे भी नहीं जा पा रहा कहीं पे भी, बहुत चीज़ें हैं यार लाइफ में फेस करने को मिलती हैं। और लव यू सभी को, बाय।